सो फाइनली मेरी कार का नंबर तो आ गया है। सो स्वागत है, लेट्स गेट रेडी। और ऑफ कोर्स मैं आपको भी लेके चलना हमारे साथ। पुराना फोटो मिल गया और तो बहुत फनी दिख रहा है। मत दिखा, ये देखो। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इंटरनेट पे पढ़ रहा था और ये न्यूज देख के या फिर ये पढ़ के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये केस हैंडल करने दिया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेट करने दिया है। तो ये आई एम श्योर बहुत सारे सपोर्टर्स थे, बहुत सारे उनके फैंस थे, कुछ सेलिब्रिटीज ने भी सपोर्ट किया इस केस में। इनकी आधी जीत तो पक्की हुई है, क्योंकि मैं पूरी जीत तो नहीं बोल सकता कि जब तक कल्प्रिट पकड़े नहीं जाते या फिर इस केस का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तब तक मैं पूरी जीत हुई है ऐसा तो बोल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट ये केस सीबीआई तक तो पहुंच गया है। सो नाउ आई जस्ट होप कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का रिजल्ट पॉजिटिव आए और उनको जस्टिस मिले। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे सो फार। सो अभी टाइम हुआ है दुबई में 12 बजे रात के और अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर एक काम करने के लिए, मेरी कार की वॉशिंग करने के लिए। बहुत दिनों से ये काम एक्चुअली पेंडिंग है। सो मैंने सोचा क्योंकि ना आज करूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग वीकेंड शुरू हुआ है अभी। फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडेज है, मेरे को संडे भी इस्लामिक न्यू ईयर जो इधर सेलिब्रेट होने वाला उसके चलते एक हॉलीडे मिला है मेरे को एडिशनल। सो ये मैं मिस नहीं करने वाला हूं और सभी जो पेंडिंग काम है ये 3 दिनों में मैं पूरे करने वाला हूं। सो स्वागत है, लेट्स गेट रेडी। और ऑफ कोर्स मैं आपको भी लेके चलने वाला हमारे साथ। ओ माय गॉड, अभी देखो कितनी नैरो स्पेस छोड़ी, इसमें मैं कैसे जाऊं? देखते ट्राई करता हूं। स्टीम वॉशिंग करना है? स्टीम वॉशिंग स्टीम करना है, स्टीम वॉश हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितना होने के बाद? कितना टाइम लगेगा? वो अभी स्टार्ट किया है? वो अभी स्टार्ट, वो फुल वॉश है, वो फुल वॉश है। दूसरा कितना टाइम लगेगा? वो आधा घंटा। सो हमने जस्ट 2 मिनट लेट किया, नहीं तो इस गाड़ी से पहले हमारा ही नंबर था। अभी वो 2 तो बंद है, सो इसके लिए हम लोग को वेट करना है और आधा घंटे का वेटिंग है। सो इसका फुल वॉशिंग चालू है इसका, जिसके लिए आधा घंटा लगने वाला है। सो वी हैव नो चॉइस बट टू वेट फॉर हाफ एन आवर बिकॉज वी हैव टू डू स्टीम वॉशिंग टुडे। व्हाट डू यू से स्वागत, आर यू फीलिंग स्लीपी? यस, बिकॉज राइट नाउ टाइम इज 1 o'clock। तो वेटिंग एरिया है उधर, जाना है तेरे को? उधर बहुत ठंडी लगता है, एसी बहुत फास्ट होता है उनका। कुछ भी हाँ। सो फाइनली मेरी कार का नंबर तो आ गया है, अभी वो कार पीछे आएगी और मैं कार अंदर डाल दूंगा। अरे यार चाबी भूल गया। स्वागत है, चाबी तेरे पास है? हाँ तेरे पास ही है आई थिंक। रात के अभी बज गए 1:30 और मुझे इतनी नींद आ रही है और इसको भी यही काम सूझ जाए। देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा हम लोग को। आई थिंक सो आज सोने में 3 तो आराम से बच जाएंगे। तो हमारी कार अभी मस्त से वॉश हो रही है, नहा रही है और हम लोग आराम से पैर फैला के बैठे इधर वेटिंग एरिया में। तो अगर देखो इस वेटिंग रूम में ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग किधर अभी बाहर जाने वाले, आउटस्कर्ट में जाने वाले, बस पकड़ने वाले, इसलिए वेटिंग रूम में बैठे। और हम लोग वो बैठी भी वैसे ही है, देख। हाँ ऐसा लग रहा है कि 4-5 घंटा वेट करने का हम लोग, और उसके बाद बस आने वाली है और हम लोग वो बस पकड़ के जाने वाले बाहर गाँव। और इवन आप बाहर देखोगे, अभी बाहर का व्यू इधर से दिखेगा नहीं कैमरा से, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लोज जाके दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरा एसटी स्टैंड या बस स्टैंड है और इधर सब बस लगेंगे और हमारी बस ये स्टैंड पे आएगी और हम लोग आराम से दरवाजा खोल के बाहर जाने वाले बस पकड़ने के। यहाँ पे एसी है बस, एसी वेटिंग रूम है। हाँ, हमने लग्जरी वेटिंग रूम बुक किया है और थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे सोने वाली हूँ। लेकिन ये सोने लायक है ही नहीं है, देख क्यों आराम से सो रहा है, मेटल का है। अगर मुझे नींद ना आए, तकिया किधर है तेरा? तेरा काम जल्दी से खत्म नहीं हुआ ना तो यहाँ पे मैं सो सकती हूँ। वो है स्वागत आगा, ये ऐसी लड़की है ना कि ये कहाँ पे भी सो सकती है, लेकिन मेरा ऐसे नहीं है। मेरे को प्रॉपर क्या बोलते हैं इसको, बेड चाहिए, फिर डबल तकिया चाहिए। मैं सिंगल तकिया पे भी नहीं सो सकते, डबल तकिया चाहिए। लेकिन चोचले इसके सोने के मामले में बहुत बड़े चोचले। फाइनली स्वागत है, इस वेटिंग एरिया में भी फ्री का सैनिटाइजर मिल गया है, अभी वो उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर भी जा। सो हम लोग को 35-40 मिनट से इधर लगने वाले हैं, अभी 10-15 मिनट तो निकल गए और 20 मिनट बाकी है। चलो देखते ये भी गुजर। मेरे पास बहुत अच्छा काम है बताओ, मैं जो व्हाट्सएप पे मुझे इमेजेस आते हैं ना वो मुझे सब डिलीट करना है, क्योंकि हमेशा मुझे मतलब कि मेरे फोन की मेमोरी हमेशा भरी हुई रहती है। तो वो मुझे बहुत बड़ा टास्क है, वो मैं कंप्लीट कर दूं तो कुछ भी कर। वर्स्ट पॉसिबल फोन,
इसको इसके फोन में एक भी डाउनलोड अभी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकती क्योंकि पूरी मेमोरी हमेशा भरी हुई रहती है। अरे अभिषेक मुझे ना तेरे पुराना फोटो मिल गया और तू बहुत फनी दिख रहा है। मत दिखा। ये देखो ये कौन से स्टैंडर्ड का है? ये मेरा इंजीनियरिंग का फोटो है। तू इंजीनियर में ऐसा दिखता था? इंजीनियरिंग आई थिंक लास्ट ईयर का फोटो है। एक स्टैंडर्ड में ऐसा लग रहा है। कितना पतला है तू? ये देखो मेरे इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का फोटो। ऐसा मैं था और 10 साल में मेरे को क्या हुआ है? ये क्या है? क्या ये? टाइम पास कर रही है अभी। ये भी वीडियो हो गया, ये भी डिलीट कर अभी फटाक से। आया उसमें? आया आया, अभी क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है। मेरा फोटो नहीं क्लियर आ रहा था इससे पहले। हां शी मैं कैसे दिख रहा हूँ यार। मेरी स्वागता को बहुत नींद आ रही है और मैं उसको बर्गर किंग लेके आया हूँ क्योंकि मैं एक्टिव तो महसूस कर ही रहा हूँ लेकिन मैं भूखा भी उतना ही हूँ, बहुत भूख लगी है। बट स्वागता पता है तेरे को एक चीज़, मुझे तेरा मास्क बहुत अच्छा लगता है, बोट के शेप का मास्क है। थोड़ा सा नीचे पहन, थोड़ा सा नीचे पहन, देख बोट के शेप है। देखिए मैं एडजस्ट करता हूँ, रुक 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 मैं एडजस्ट करता हूँ। हाँ एकदम बोट जैसा लगता है। बोट कर सुबह के 4 बज गए, इनको भूख की इतनी ये है ना, लालच हो गया, ये बहुत बहुत भूख है इनका। ये क्या होता है पता नहीं, अभी मैं नींद में क्या बड़बड़ रही हूँ। ये सोफे पे मस्त सो जाती हूँ मैं। ये रखना, ये रखना होता है। हाथ में पकड़ती हूँ इसका, भूख की लालच, इसकी चड्डी। मैं मस्त चिड़ा चिड़ा के खाएगा अभी। बाय द वे नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं खाना है। अच्छा फील हो रहा है ना, स्टमक एकदम एम्प्टी हो गया था मेरा। ये बॉडी बिल्डिंग लोगों का यही नाटक होता है। उसके बाद मैंने उसके पास फिर से लेके गया और उसको मैंने जो ब्लोअर रहता है वो मारने को बोला पूरा इंजन में। उसने लिटरली वो पूरा इंजन खोल खोल के ब्लोअर मारा था, पूरा ट्राई करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके बाद भी एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ रहा था। आई मीन जब भी मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के बाद गाड़ी बंद पड़ रही थी, थोड़ी देर के बाद अभी जब भी उसने ट्राई किया इंजन और ज़्यादा एक्सेलरेशन मारने के बाद गाड़ी बंद पड़ रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बैटरी एरिया में भी कुछ इशू हो सकता है, सोचते हैं। बैटरी एरिया में भी पूरा ट्राई कर दिया और उसके बाद होपफुली अभी कुछ इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन गाड़ी चल गई। सो अभी लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या कि हम लोग 4:30 बजे उधर से फ्री हो गए। उसके बाद मेरे को बहुत भूख लगी, फिर आपने देखा कि बर्गर किंग गए और उसके बाद हम लोग घर पे आ गए आई थिंक एट 5:30 एंड देन 6 o'clock इन द मॉर्निंग वी स्लेप्ट। सो वी वोकअप एट 11 o'clock। हम लोग एक वीडियो भी अप करना था, सो हम लोग ने जस्ट वीडियो अप किया और ब्रेकफास्ट हमारा हुआ और फिर से हम लोग 12:15 या 12:20 सो गए और 1 o'clock को उठ गए। सो अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 2 o'clock इन द आफ्टरनून और अभी मैंने अभी तक प्रोटीन शेक अपना किया नहीं है, प्रोटीन शेक पिया नहीं है। सो अभी मैं करने जा रहा हूँ प्रोटीन शेक। सो चलो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मिक्सर लिया है, जूसर लिया है नया, उससे जो प्रोटीन शेक मैंने किए अब तक वो अपने एक भी मैंने जो नया जूसर लिया है उससे मैंने प्रोटीन शेक तो किए लेकिन एक भी ब्लॉग में दिखाया नहीं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। चलो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं अपना प्रोटीन शेक कैसे करता हूँ और आजकल मैं खुद करने लगा हूँ। सो आई कैन प्राउडली से दैट आई डू माय प्रोटीन शेक। सो आई एम गोइंग टू पुट 3 almonds, ये है डेट्स। सो इसमें क्योंकि सीड्स रहते हैं तो इसको खोलना पड़ता है और फिर डालना पड़ता है। में जाता है एक बनाना, तो ओह माय गॉड अभी गिर जाता था। ओके ये गया अंदर, फिर इसमें थोड़ी सी बर्फ डालूंगा क्योंकि प्रोटीन अगर आपने रूम टेम्परेचर का पानी से किया तो बहुत बुरा टेस्ट लगता है उसका। वो बर्फ नीचे पहले जाना चाहिए, उल्टा तूने किया डायरेक्ट। मैं जूसर विल टेक केयर ऑफ इट। बाप रे एक चीज भूल गया वो। ओके हो गया पैक। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये कितना आसान है बनाना। सो अब तक मैंने इसमें पानी डाला है नहीं। स्वागत क्यों हंस रही है पीछे से, काम कर रहा हूं ना। सो अभी मैंने इसको किया फिक्स, लेकिन ये फिक्स करने के बाद अभी सब चीजें बिखरी हुई है राइट।
तो स्वागता को पता है कि मैं किचन में एकदम परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मैं एक काम करूंगा पहले ये सब जाएगा अपनी जगह पे, जैसे कि ये गया इधर। स्वागता को सिखा था किचन संभाल दे कैसे, चीज भूल गया है वो, और डेट का बॉक्स भी बराबर से पैक करना है। स्वादिष्ट जूस, स्वादिष्ट अभिषेक तू एक बहुत बड़ी चीज भूल गया है। क्या? उसमें प्रोटीन पाउडर ही नहीं और मुझे सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है कि किचन में किसी परफेक्शनिस्ट होना है। कोई बात नहीं, इसको आप बाद में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अरे ये कैसे मैं भूल गया यार। इतना बड़ा डब्बा निकल के उसको उधर रख रहा है। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि इतना जल्दी कैसे मिक्सिंग हो गया, कुछ ना कुछ तो भूल गया था मैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसे बने रहिए इस ब्लॉग्स पे हमेशा मेरी नई नई रेसिपीज जानने के लिए। अभी मैंने जो बनाया था वो प्रोटीन शेक था, डिलीशियस प्रोटीन शेक था विद डेट्स, आलमंड्स एंड बनाना। सो गिव अ ट्राई एट होम एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डू यू लाइक इट। सो मेरा प्रोटीन शेक हो गया रहेगा ठंडा, ऑलमोस्ट 10 मिनट तक रखा है और उसमें बर्फ भी ऑलरेडी था। सो अभी मैं लूंगा डिलीशियस प्रोटीन शेक का आनंद जो मैंने खुद ने बनाया है। अरे स्वागत है, मेरा प्रोटीन का बॉटल है, पूरा फेस कवर कर सकते हैं।